नमस्कार, मैं दिव्या। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश की प्रमुख खबरें। आजकल कई होटल पानी के लिए अतिरिक्त पैसे मांगते हैं, जो कि गलत है। होटल रेस्टोरेंट में शुद्ध पानी देना उनकी जिम्मेदारी है। यदि वे पानी के लिए पैसे मांगते हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए नेशनल कंज्यूमर फोरम या लोकल फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से संपर्क करें। इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर पटना के गांधी मैदान में रिलीज किया गया है। ट्रेलर में फहद फाजल की दमदार एंट्री और वायलेंट भूमिका में ने दर्शकों का दिल जीता है। फहद की एंट्री पर अमिताभ बच्चन के डॉन गाने का बैकग्राउंड म्यूजिक भी जोड़ा गया है। फिल्म जल्द ही रिलीज होगी। शादी के सीजन में साइबर ठग व्हाट्सएप के जरिए डिजिटल वेडिंग कार्ड भेजकर लोगों को ठग रहे हैं। इस स्कैम से बचने के लिए अनजान नंबर का रिस्पॉन्स ना दें, वेडिंग कार्ड से जुड़ी एपीके फाइल को ना खोलें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। केरल की 13 वर्षीय अन्ना मैरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त की है। 7 दिन में 68 किलोमीटर की यात्रा कर उन्होंने 18,885 फीट की ऊंचाई को पार किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने ताइक्वांडो के किक्स और पुम्से का प्रदर्शन भी किया। अन्ना का अगला लक्ष्य 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखरों पर चढ़ाई करना है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी अभियान में पहचान की राजनीति आर्थिक संकटों पर हावी हो गई है। किसानों की जान जाने और गरीबी जैसी गंभीर समस्याओं के बजाय नेताओं ने ऐतिहासिक मुद्दों और अवैध प्रवासन पर ध्यान केंद्रित किया है। ये दर्शाता है कि मतदाता तत्काल लाभ और भावनात्मक अपील की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जबकि लंबे समय के आर्थिक समाधान नजरअंदाज हो रहे हैं। 9 महीने से शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान कर चुके हैं। 26 नवंबर से भूख हड़ताल शुरू करने वाले किसान नेताओं ने सरकार से अपनी मांगों की तत्काल पूर्ति की चेतावनी दी है, अन्यथा वे पैदल मार्च करेंगे। भारत ने 1500 किलोमीटर की रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। ये परीक्षण ओडिशा से किया गया है। भारत, रूस, चीन और अमेरिका ही हाइपरसोनिक मिसाइलों के मालिक हैं। भारत अब ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर भी काम कर रहा है। स्टीवो किफ ने आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पैट कमिंस और कंगारू गेंदबाजों से विराट कोहली पर हावी होने की अपील की है। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अब उनका प्रदर्शन निर्णायक साबित हो सकता है। भारतीय टीम पहले से ही तनाव में है। भारत ने कश्मीर तक रेल संपर्क को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कटरा सियासी रेल लिंक का निर्माण 2025 तक पूरा होगा, जिससे दिल्ली श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनें सेवाएं शुरू हो सकेंगी। कश्मीर रेल परियोजना के तहत सुरक्षा जांच और परीक्षण चल रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर को धोखाधड़ी के पुराने मामले में आरोपी बनाने के स्पेशल जज के आदेश पर रोक लगा दी है। गंभीर पर रियल एस्टेट कंपनियों से जुड़ी धोखाधड़ी मामले में आरोप थे, लेकिन उन्हें पहले बरी किया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 555 और 755 रुपए के प्रीमियम पर 10 लाख से 15 लाख रुपए तक के दुर्घटना बीमा कवर पेश किया है। ये योजना 18 से 65 वर्ष के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जो दुर्घटना, मृत्यु, विकलांगता और चिकित्सा खर्च कवर करते हैं। कोलकाता से लंदन तक 1600 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली बस सेवा 1957 से 1976 तक चली। ये बस 10 देशों से होकर गुजरती थी, जिससे भारत के कोलकाता, दिल्ली, इलाहाबाद और बनारस प्रमुख स्टॉप थे। किराया 85 ब्रिटिश पाउंड था और इसे अल्बर्ट बस कहा जाता था। रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर फेसबुक पोस्ट में चिंता जताई है। आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी और आप में इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। उन्होंने समाधान के लिए एकजुट होने की अपील की। इस बीच दिल्ली में GRAP 4 लागू कर दिया गया है। आपके वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत ने 17 नवंबर 2024 को पार्टी से इस्तीफा दिया और भाजपा ज्वाइन किया। गहलोत ने पार्टी की नीतियां और नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उनके इस्तीफे के बाद नागडोई जाट विधायक रघुविंदर शौकीन को मंत्री बनाया गया है। भारत में 17 नवंबर को 5 लाख से अधिक यात्री घरेलू उड़ानों से यात्रा किए। कुल 3173 उड़ानें संचालित हुई। दिवाली के बाद यात्रा में वृद्धि देखी गई, जबकि शादियों और स्कूल छुट्टियों को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसा नायके ने हरिनी अमर सूर्या को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। NCP गठबंधन की 159 सीटों के साथ भारी जीत के बाद ये नियुक्ति हुई। अमर सूर्य 2000 के बाद प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला है और उनका राजनीतिक सफर शैक्षिक और ट्रेड यूनियन कार्यों से प्रेरित रहा है।
भारत पर अंग्रेजों के 200 साल के शासन के दौरान 1757 से 1947 तक अंग्रेजों ने करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी। इस आर्थिक शोषण के बावजूद अंग्रेजों ने भारत में कुछ उद्योगों की स्थापना भी की, लेकिन मुख्य रूप से संसाधनों की जमकर लूट की। अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो उसे ढूंढने की संभावना बढ़ाने के लिए फाइंड माई फोन सेटिंग को ऑन करें। एंड्रॉयड में सिक्योरिटी में जाकर फाइंड माई डिवाइस चालू करें, जबकि आईफोन में सेटिंग्स में जाकर इसे सक्रिय करें। इसके अलावा मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। शोध से पता चला है कि नींद के दौरान दिमाग निर्णय लेने में मदद करता है और समस्याओं को हल करता है। सोते समय दिमाग पैटर्न पहचानता है और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। थॉमस एडिसन ने भी अपने विचारों को बेहतर बनाने के लिए नींद का उपयोग किया था। कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी, जिसमें वो इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही हैं, 17 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। फिल्म पर सिख समुदाय ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि इसमें सिखों को गलत तरीके से चित्रित किया गया है। कंगना ने इसे बिना कट के रिलीज करने का संकल्प लिया है। भारत का 2024 में अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट 7% दर्ज किया गया है, जो G20 देशों में सबसे उच्चतम है। ये देश की मजबूत अर्थव्यवस्था और वैश्विक चुनौतियों के बीच शक्तिशाली विकास को प्रदर्शित करता है। अन्य प्रमुख देश जैसे चीन, यूएसए और जापान की ग्रोथ रेट भारत से कम है। बैंक और वित्तीय संस्थान नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए क्रेडिट कार्ड पर साइनअप बोनस, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट और सोशल स्पेशल बेनिफिट जैसे ऑफर पेश करते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप को ब्रांडेड कार्ड, शून्य सालाना शुल्क और रेफरल प्रमोशन जैसी रणनीतियां भी अपनाई जाती हैं, ताकि ग्राहक को अधिक लाभ मिले और उनका आकर्षण बढ़े। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB ने 2024 के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STT का परिणाम जारी किया है। पेपर 1 में 73.77% और पेपर 2 में 64.44% अर्थव्यवस्था सफल रहे। कुल मिलाकर 70.25% उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की। उम्मीदवार रिजल्ट BSEB की वेबसाइट पर देख सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने 57 नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 7 नवंबर से 24 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। पदों पर चयन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षा के आधार पर होगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। UGC ने घोषणा की है कि छात्र अपनी डिग्री कोर्स को 6 महीने से 1 साल पहले पूरा कर सकेंगे या अपनी अवधि बढ़ा सकेंगे। ये योजना 2025-26 से लागू होगी, जिसमें छात्रों को लचीला समय, एंट्री एग्जिट विकल्प और ब्रेक लेने की सुविधा मिलेगी। ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा प्रणाली को और लचीला बनाने के लिए है। EOU ने TRE-3 पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें TRE-2 का पेपर भी लीक होने का खुलासा हुआ है। जांच में माफिया और कोचिंग संचालकों की संलिप्तता सामने आई है। अब तक 266 गिरफ्तारी हो चुकी है और TRE-3 की परीक्षा 19 से 22 जुलाई 2024 को आयोजित होगी। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने 6 कॉलेजों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, जिन्होंने फर्जी अनापत्ति पत्र पेश किया था। इन कॉलेजों में बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स के लिए आवेदन किया था। जांच में ही घोटाला उजागर हुआ है और विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। आनंद किशोर ने सक्षमता परीक्षा 3 का आयोजन 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक CBT मोड में होने की घोषणा की है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगी और परीक्षा परिणाम 5 फरवरी तक घोषित किया जाएगा। परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग ने TRE पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। पहले 2 चरणों में 2.5 लाख शिक्षक पास हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है और 10वीं 12वीं की कक्षाओं को ऑनलाइन कराने को कहा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर कोर्ट ने राज्यों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने का निर्देश दिया। दिल्ली में AQI 500 के पार पहुंच चुका है, जबकि केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप भी लगा रही है। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने अपनी बेटी देवी का दूसरा बर्थडे 2 बार मनाया। पहला सेलिब्रेशन मालदीव में था, जबकि दूसरा मुंबई में परिवार और दोस्तों के साथ। बिपाशा ने सोशल मीडिया पर दोनों जश्न की तस्वीरें शेयर की हैं। आज के लिए इतना ही। आप में से जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है परशुराम सिंह, सूरज कुमार, सुमित कुमार, सौरभ कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, नौशाद रजा, राकेश मिश्रा, गुलाब चंद। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।